आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। साथ साथ जो इंजॉयमेंट है, जो खुशियां मनाने का पल है, वो यहां से मना सकते हैं। धीरे धीरे जो लोग हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही साथ जो लोग पहुंच रहे हैं यहां पर अपने इस पल को, अपने इस जो जैविक उद्यान पहुंच रहे हैं वहां पर अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और जो खुशियां है वो मना रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। नया साल आप लोग मना रहे हैं, कैसा लग रहा है जैविक उद्यान में? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना का काल है, उसमें नया साल आया है। ये चलिए 2020 तो काफी दुखदायी गया, 2021 अच्छा जाएगा। और आप लोग पूरे परिवार के साथ आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 2020 कोरोना में पार हुआ, 2021 में क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए? अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन मास्क का प्रयोग कीजिए आप लोग। मास्क हो गया था तो कोरोना के बाद 2021 जो आया है, 2021 के बाद लोग यहाँ मनाने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है नया साल मुझे पटना जैविक उद्यान? क्योंकि बहुत खुशी की बात है कि आज 1 जनवरी है 2021, और लेकिन सब अच्छा लग रहा है, लेकिन पर एक चीज़ है कि आज के दिन स्पेशल हमेशा 30 रुपया था, आज के दिन 100 रुपया कर दिया है प्राइस सर। ये मतलब 5 साल गए, आज के दिन ही सब लूट ले रहा है, 5 साल कमाई एक बार में कर जो तो आज क्योंकि कोरोना काल है तो कोरोना के बाद उद्यान खुला है, तो हो सकता है भीड़ के चलते ये किया जाओ। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? क्या व्यवस्था है यहाँ पर आने के बाद? तो बहुत सही व्यवस्था है, हम लोग देखे घूमे फिरे। अब हम लोग पहले जैसा जानवर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अब मैंने कुछ खाली लग रहा है। अच्छा हुआ, आनंद लगा। चलिए तो स्वीकृति जो लोग हैं, धीरे धीरे जो पटना जू है वहाँ आना शुरू कर दिया और अपने परिवार के साथ आ रहे हैं लोग। हमारे सहयोगी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें दिखाएं, साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि लोगों को पता है, प्रशासन को भी पता है कि वो पिकनिक स्पॉट है और पटनाइटिस जो है वो खुशियों का एक भी मौका जो है वो छोड़ते नहीं है। जी कृति, आपने सही कहा कि पटनाइट्स जो है खुशियों का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। और जो प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से वर्दी में तो पुलिस के अधिकारी है, तस्वीर दिखा रहे हैं कि 9 वर्ष बेस में भी जो पुलिस का जो पटना के लोग हैं संजय गांधी जैविक उद्यान में किस प्रकार जो है लोग घूमने आ रहे हैं। जय जय होती है तो वो उस पर काबू कर सके। और प्रशासन ने यहाँ पर अपने जो कमांडो को लगा रखा है, पुलिस के वर्दी में भी वो लोग हैं, सादे ड्रेस में भी वो लोग हैं, और साथ ही साथ जो मीडिया का जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने भी पटना के मीडिया के लोग हैं, वो भी इस पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए धीरे धीरे पटना के चिड़ियाघर में पहुंचने लगे। बिल्कुल दिवाकर, क्या बिहार सरकार की तरफ से नए साल को लेकर और कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन जारी की गई है? जी देखिए, गाइडलाइन तो कोरोना को लेकर जारी की गई है कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, लेकिन अगर हम तस्वीर दिखाएं, हमने कई लोगों से ही बात की तो आप साफ तौर पर देख रहे थे कि लोगों ने मास्क का प्रयोग नहीं किया। जब हमने सवाल किया उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये नाक दर्द होने लगता है, इसीलिए ने मास्क खोल लेता है, लेकिन सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, उस गाइडलाइंस के तहत ही लोगों को एंट्री की जाती है, लेकिन जो लोग जब अंदर आ जाते हैं उसके बाद वो मास्क हटा देते हैं। सरकार ने ये जरूर कहा है कि जब तक दवाई तब ढिलाई नहीं, और दूरी 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन जो आपने पहले कहा था कि पटना के लोग जो हैं वो खुशी मनाने का मौका नहीं छोड़ते हैं, पटना के लोग खुशी जब भी मनाने का मौका आए दिन भर खुशी मनाते हैं, उनको यह नहीं लगता है कि आने वाला कल कैसा होगा, क्योंकि 2020 जो पार हुआ है अपना काल पार हुआ है, लगभग लोग 6 महीने से घरों में कैद थे, उसके बाद ये पल आया है और लोग भगवान से प्रार्थना करने का पूजा करने के बाद घूमने आ रहे हैं कि भगवान जो है 2020 जो पल गया है 2021 का जो ये पल हो वो उससे बेहतर हो, जो महामारी लोग 2020 में चले उसका समापन 2021 में हो। कृति तो पटना के लोग जो है खुशी मनाने में नहीं पीछे हटते हैं, और इसका हमारे सहयोगी बार बार अपने तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि जो पटना के लोग हैं
तो धीरे धीरे अब चिड़ियाघर में अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे चिड़ियाघर में पहुंचना शुरू कर चुके हैं और ये सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। जैसे जैसे दिन ढलेगा, हमारी बात जब हुई थी चिड़ियाघर के प्रबंधन का कहना, जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे लोग जो है चिड़ियाघर में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सुबह का समय है, ठंड है, लेकिन आज सूर्य भगवान ने भी अच्छा रूप दिया है, रौद्र रूप है उनका, तो ठंड के बावजूद लोग पूजा पाठ करके अपने घरों से निकल कर अब धीरे धीरे पटना के चिड़ियाघर या पिकनिक स्पॉट जितने जगह है वहाँ पहुँच रहे हैं। कृति बिल्कुल दिवाकर, आप पटना के सबसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट यानी संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इस पिकनिक स्पॉट की कुछ बेहतरीन तस्वीरें दिखाएं ताकि हमारे दर्शक जो है वो भी मजा ले सके। जी जरूर, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जो पटना का जैविक उद्यान है यहाँ की जो बेहतरीन तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों को दिखाएं, ताकि लोग घर में बैठ के सन्मार्ग लाइव सेवन घर में बैठे उन लोगों को भी इस जगहों से रूबरू करा सके। और साथ साथ मैं अपने सहयोग कहूंगा कि अभी कुछ देर पहले आपने सुरक्षा की बात की थी कृति, तो देखिए बिहार पुलिस के जो जवान है किस प्रकार यहाँ सुरक्षा पर मुस्तैद है ताकि कोई भी अप्रिय घटना जो है यहाँ ना हो, और सादे वर्दी के साथ साथ सादे लिबास में भी वो जवान जो है पूरे पार्क पूरे जैविक उद्यान में भ्रमण कर रहे हैं ताकि कोई छेड़खानी की घटना हो या कोई भी ऐसी घटना जो लोगों के साथ ना घूमे, जो परिवार आए हैं पिकनिक मनाने के लिए वो जो घूमने आए हैं जो एंजॉय करने आए हैं उनको बाधा ना पहुंचे, और जो समस्या आती है अगर कोई छेड़खानी की बात आती है तो ये लोग तुरंत वहां एक्शन लेते हैं। तो वर्दी के साथ साथ सादे लिबास में भी लोग पहुंचे हुए हैं। साथ साथ हम अपने सहयोगी कैमरामैन कृष्णा से जरूर कहेंगे कि जो तस्वीरें हैं पटना चिड़ियाघर की वो हम अपने दर्शकों को दिखाएं ताकि घर बैठे जो दर्शक हैं हमारे सन्मार्ग लाइव सेवन में जो दर्शक हैं वो दर्शक आनंद ले सके घर बैठे बैठे जो है लोग आनंद ले सके। देखिए इधर मछली घर है, एक्वेरियम है, हम धीरे धीरे सभी अपने दर्शकों को धीरे धीरे, चूंकि पटना जैविक उद्यान बहुत बड़ा है, एक पल में हम चाहेंगे तो एक कुछ देर में अपने दर्शकों को नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे अपने सभी दर्शकों को हर एक जो चिड़ियाघर का जो हर एक दृश्य है उनसे जरूर दिखाएंगे उनको कि पटना का चिड़ियाघर है। अगर आप कभी पटना आते हैं या पटना में आप रहते हैं जरूर चिड़ियाघर आइए घूमने के लिए और देखने के लिए, और सबसे अच्छा पिकनिक स्पॉट्स है पटना का, और यहाँ की तस्वीरें हमने कल भी दर्शकों को दिखाई थी और आज भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, जैसे जैसे हम भी आगे की ओर बढ़ते रहेंगे तो अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे। कृति जी बिल्कुल दिवाकर, साल 2020 लोगों को बहुत सारे सबक देकर गया है, लोग खुले दिल से अब साल 2021 का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साल 2020 ने जो हमें सिखाया, कोरोना ने हमें जो सिखाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, अब वो साल 2021 में हिस्सा बन चुका है हमारी जिंदगी का। तो पटना वाले कैसे खुले दिल से अपनी जिंदगी में इसको स्वीकार कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे जाने। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे। देखिए कुछ युवाओं की टोली है, आपने जो सवाल किया ये बताइए, आप लोग युवा हैं, अभी 2020 कोरोना काल से पार हुआ, आप मास्क पॉकेट में रखे हुए हैं, क्या लगता है मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, लेकिन 2020 की तरह नहीं बीतना चाहिए क्या ये साल? देखिए फिर भी कोई कैमरा के सामने बोलना नहीं चाहता, मास्क सब रखे हुए हैं, मास्क सब पॉकेट में रखते हैं, लेकिन जो जागरूक लोग हैं, जो जागरूक इंसान है वो देखिए हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए 2020 कोरोना में गुजरा, 2021 का आज पहला दिन है, क्या लगता है कि आने वाला साल कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, मतलब वैक्सीन बन रही है तो अच्छा होना चाहिए आने वाला साल। 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, उसके बाद जमा करना, जमा पूंजी, सब कुछ, क्या लगता है 2021 में इसका कितना असर पड़ेगा लोगों पर? असर तो पड़ ही रहा है और लोग फॉलो भी कर रहे हैं प्रिकॉशन जो भी है जरूरी, तो धीरे धीरे उसमें सुधार आ रहा है और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैक्सीन वगैरह आ जाएगी, उसके बाद पूरा रिकवरी फेज पूरा अच्छे से स्टार्ट होगा और ज्यादा ज्यादा अच्छे से होगा। तो कृति, जो पटना के लोग हैं, पटना के लोग हैं खुशियां मनाने के साथ साथ सुरक्षा की जो बात आपने कही, सुरक्षा के मायने में भी लगभग लोग जो है उन्होंने मास्क का प्रयोग किया हुआ है, और जो लोग घूमने आए हुए हैं तो तस्वीर जब लेनी होती तो अपने मास्क उतार कर पॉकेट में रखते हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं अधिकतर लोग जो है अपने चेहरे को ढके हुए हैं, और साथ साथ जो जैविक उद्यान प्रशासन है जो भी लोगों को वैसे लोग ये जो मास्क पहने हुए हैं जो साथ ही साथ वो हिदायत देते हैं करें और भीड़ ना लगाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो पटना वाले खुशियां मना रहे हैं, नए साल का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। हमने आपको संजय गांधी जैविक उद्यान की तस्वीरें